अनबॉक्सिंग से पहले आपको मैं इस कैमरा के कुछ फीचर्स बताता हूँ और इसका प्राइस इतना शानदार दूंगा ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आइए इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो ये 4G लिंकेज सोलर मिनी पेंटेंट कैमरा है जिसमें दो लेंस है, एक ऊपर कैमरा लगा हुआ है, एक नीचे कैमरा लगा हुआ है। अगर इसके कुछ फीचर्स की बात करूं तो 10x डिजिटल जूम, 10x डिजिटल जूम होता है फॉर क्लियर एंड ब्लर फ्री क्लोज अप इमेजेस। इसके बाद आ जाता है डुअल इंटेलिजेंट कैमरा, अपर कैमरा इज फिक्स्ड कैमरा फॉर वाइड एंगल व्यू एंड लोअर वन कैमरा इज रोटेटिंग कैमरा फॉर पैन एंड टिल्ट मॉनिटरिंग, यानी कि चारों तरफ ये कैमरा घूमता है। इसके बाद ऑप्शन है फुल ड्यूप्लेक्स ऑडियो इंटरकॉम, बिल्ट इन स्पीकर एंड माइक्रोफोन विद इको कैंसिलेशन, यानी कि इसमें स्पीकर भी मिलेगा आपको और माइक भी मिलेगा विद इको कैंसिलेशन। इको कैंसिलेशन होता है कि जब मान लो जहां पे ये कैमरा लगा हुआ वहां पर कोई गूंज की आवाज आ रही है तो ये उसको ऑटोमेटिकली कट कर देता है। इसके बाद ऑप्शन है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, 3MP+3MP वीडियो रिकॉर्डिंग अलॉन्ग विद हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्डिंग फॉर AV प्लेबैक, यानी कि AV का मतलब होता है ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये दोनों जो कैमरा है हमारे 3MP 3MP के कैमरा होते हैं, ये 6 MP का कैमरा है, ये वीडियो के साथ साथ ऑडियो की भी रिकॉर्डिंग करते हैं। इसके बाद आ जाता है इंटेलिजेंट डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन बेस्ड रिकॉर्डिंग एंड पुश नोटिफिकेशन, यानी कि जैसे ही कोई ह्यूमन कैमरा के सामने आएगा, कोई इंसान कैमरा के सामने आएगा, ये उस वक्त रिकॉर्डिंग करेगा और तुरंत आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। दोनों ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहते हो कि वैसे ही रिकॉर्डिंग होती रहे तो वैसे होती रहेगी, अगर आप मोबाइल में से ह्यूमन डिटेक्शन इंटेलिजेंट डिटेक्शन इसका ऑन कर दोगे तो जब कोई बंदा सामने आएगा तुरंत आपको आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। इसके बाद आ जाता है मोबाइल ऐप, यानी कि कंपनी का खुद का मोबाइल ऐप है। जिन लोगों ने ट्रूव्यू का कैमरा यूज किया उनको तो मालूम ही है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, कंपनी का खुद का मोबाइल ऐप है और ये आप जो कैमरा है अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पर भी आसानी से चला सकते हो। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है कलर नाइट विजन, इसमें डुअल फंक्शन LEDs लगी होती हैं जो रात को आपको कलर इमेज देती हैं, दोनों कैमरा में आपको कलर LEDs मिलती हैं। इसके बाद ऑप्शन आती है स्टोरेज की, तो दोस्तों इसमें आप 256 GB तक का मेमोरी कार्ड इंस्टॉल कर सकते हो, साथ में क्लाउड स्टोरेज जो है वो ऑप्शनल है। अब कुछ भाई सोच रहे होंगे क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, तो क्लाउड स्टोरेज का हमने अलग से कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको बता रखा है क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है ये क्लाउड स्टोरेज। इसका मैंने कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये है हमारा कैमरा। अभी इस कैमरा के कुछ और बताऊंगा आपको, एक तो ये मेड इन इंडिया कैमरा है और साथ में इसका मॉडल नंबर जरूर आप नोट कर लीजिए ताकि खरीदते वक्त आपको कोई परेशानी ना आए। इसका मॉडल नंबर है T18200, यानी कि T18200, ये प्रोडक्ट कोड होता है इसका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ध्यान से देख लीजिए T18200। तो आइए अभी इसके मैं कुछ और फीचर्स बताता हूँ, साथ में करते हैं अपन इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों इसमें हमें मिल जाता है 7 W का सोलर पैनल और इस सोलर पैनल के साथ हमें 4 से 5 मीटर की काफी लंबी वायर मिल जाती है और फिर सोलर पैनल को टांगने के लिए हमें ये वॉल माउंटिंग किट मिल जाती है और कंपनी ने एक अच्छा काम ये किया है कि यहाँ पर हमें होज क्लैंप भी दिया है, यानी कि अगर आप पोल पर लगाना चाहते हो तो आप सोलर को पोल पर भी टांग सकते हो होज क्लैंप की मदद से। आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे सोलर पैनल को होज क्लैंप की मदद से टांगना है, सारा कुछ आपको बताएंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा ट्रूव्यू का डुअल लेंस कैमरा, दोनों लेंस 3-3 MP के होते हैं, 6 MP का ट्रूव्यू का कैमरा है। देखिए ध्यान से कैमरा के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। इस कैमरा के साथ हमें एक ये मेटल प्लेट मिल जाती है इस कैमरा को टांगने के लिए और साथ में एक होज क्लैंप हमें कैमरा के साथ भी मिल जाता है। कंपनी ने बहुत ही अच्छा किया है, अगर आपने पोल पर टांगना है कैमरा तो भी आपको कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपको साथ में दिया जाएगा। ये सोल्डर का होज क्लैंप है, ये कैमरा का होज क्लैंप है, दोनों आपको इसी बॉक्स में साथ में आते हैं और साथ में आपको मिल जाता है एक यूजर मैनुअल, कैमरा को कैसे इंस्टॉल करना है इसमें बताया है, बाकी हमारी वीडियो देखोगे सारा आपको मालूम पड़ ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रूव्यू का ब्रांडिंग है, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये कैमरा आता है और यहाँ पर दो लेंस हैं, 3MP+3MP 6 MP का ये कैमरा है, 6MP कैमरा है, साथ में ये दो एंटीनाज लगे होते हैं आपके सिम की रेंज को बढ़ाने के लिए और यहाँ पर दोनों कैमरा पर इंफ्रारेड प्लस स्पॉटलाइट्स दी गई हैं ताकि रात की क्वालिटी इसकी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों PIR सेंसर लगा है जिसको पैसिव इंफ्रारेड सेंसर भी बोल देते हैं और इसके बाद आ जाती है इंडिकेटर लाइट। ध्यान से देखिए यहाँ पर छोटा सा आपको एक बिंदु दिख रहा होगा, ये इंडिकेटर लाइट होती है, यानी कि जब कैमरा ऑन होता है तो इस लाइट से हमें मालूम पड़ जाता है कि कैमरा हमारा ऑन हो गया, ये लाइट चल जाती है। और इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर एक छोटा सा आपको छेद दिख रहा होगा, असल में ये माइक होता है, देखिए ध्यान से मैं दिखाता हूँ घुमा करके, ये होता है माइक,
यानी कि कैमरा के पास जो भी आवाज होगी तो ये कैमरा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता रहेगा। इसके बाद अपन इसको अगर गोल घुमा दें थोड़ा सा तो देखिए यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है, ताकि कैमरा में से अगर आप कुछ बोलोगे अपने मोबाइल में से तो कैमरा में से भी आवाज आएगी। तो अभी बात कर लेते हैं एसडी कार्ड की, कि एसडी कार्ड मेमोरी कार्ड कहाँ पे लगता है। तो देखिए जैसे ही आप घुमाओगे यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रो एसडी। अब इसको रबर को थोड़ा सा पीछे करिए, अभी ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको तीन चीजें दिखेंगी, ऊपर लिखा हुआ माइक्रो एसडी, सिम और रीसेट। सबसे पहले बात करते हैं रीसेट की। ये रीसेट बटन होता है, इस बटन को आप थोड़ा सा प्रेस करोगे किसी भी तीखी चीज से 10 सेकंड प्रेस करो तो कैमरा रीसेट हो जाएगा। ऊपर वाला जो बड़ा स्लोट है लिखा भी हुआ माइक्रो एसडी कार्ड का है, 256 GB का मेमोरी कार्ड ये सपोर्ट कर सकता है। साथ में ये सिम स्लॉट दिया गया है, साथ में डायग्राम बनी है कि कैसे आपने सिम और मेमोरी कार्ड डालना है, कौन सा साइड है जो अंदर की तरफ रखना है। तो इसको रबर से ही बंद किया गया है ताकि पानी इसके अंदर ना जाए, बिल्कुल वाटर प्रूफ ये पूरी तरह से कैमरा है। तो अभी इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो बेस आपको दिख रहा है इसके अंदर होती है बैटरी, हमारी 18000 mAh की बैटरी है जिसका 24 घंटे का बैटरी बैकअप है। और इस कैमरा के अभी रीसेट बटन की तो मैंने बता दी बात, तो अभी यहाँ पर अगर बैटरी को ऑन करना हो तो पहले अपन को ये रबड़ की ग्रिप होती है काफी अच्छे तरह से होती है, इसको हटाना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर एक ब्लैक पेपर होता है, इसको भी आप अच्छे से थोड़ा सा निकाल दीजिए। निकालने के बाद देखिए यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए, साथ में सी टाइप का केबल है, जो सोल्डर का केबल है वो यहाँ पर लग जाएगा और आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें, देखिए यहाँ पर एक QR कोड लगा होता है, इसी QR कोड को स्कैन करके हम अपने मोबाइल ऐप में इस कैमरा को ऐड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। चैनल पर नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सोलर पैनल एंड बिल्ट इन बैटरी, तो दोस्तों इसमें आपको 7 वॉट का सोलर पैनल मिलता है और साथ में 18000 mAh की बैटरी मिलती है जिसका बैटरी बैकअप 24 घंटे का है। बहुत ही अच्छी बैटरी बैकअप की परफॉर्मेंस है, 24 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। इसके बाद ऑप्शन आती है PIR डिटेक्शन। PIR क्या होता है? PIR एक सेंसर होता है जो कैमरे में लगा होता है, उसको PIR सेंसर बोल देते हैं। उसकी रेंज में अगर कोई भी ह्यूमन आता है, कोई भी इंसान आता है, तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पे आ जाता है। इसके बाद ऑप्शन है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का ऊपर मैंने वीडियो दे रखा है, क्लिक करिए देखिए क्या होती है क्लाउड स्टोरेज, सारा हमने एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद आ जाता है रियल टाइम पुश नोटिफिकेशन, यानी कि जब भी कोई कैमरा के सामने आएगा तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। स्टोरेज की बात करें तो 4 GB से लेकर 256 GB तक का कोई भी मेमोरी कार्ड आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन आती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक्टिव डिफेंस विद सायरन एंड स्ट्रोब लाइट। यानी कि क्या होता है, अगर आपने इसमें एक्टिव डिफेंस की ऑप्शन होती है वो आपने ऑन कर दी, तो जब भी कैमरा के सामने कोई आएगा उसका सायरन भी बजेगा, कैमरा में जो लाइट है वो भी जगबुज करने लग जाएगी, स्ट्रोब लाइट उसको बोलते हैं, वो लाइट भी चलने लग जाएगी और सायरन भी बजने लग जाएगा, ताकि जो चोर होता है, जो गलत इंसान होता है, वो डर के भाग जाए। इसके बाद ऑप्शन है कस्टमाइजेबल वॉइस अलर्ट्स। यानी कि कस्टमाइजेबल वॉइस अलर्ट्स क्या होते हैं, कि जैसे मान लो कैमरा के सामने कोई आया तो सायरन बजता है कैमरा का, सायरन की जगह पे आप अपनी आवाज भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, जैसे चोर 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 ऐसे भी डाल सकते हो आप। जब भी कोई गलत इंसान आएगा तो आपकी आवाज उसको सुनाई देगी, ऐसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी वॉइस को। इसके बाद वाला ऑप्शन भी काफी महत्वपूर्ण है, जो आप लोग पूछते हो, ह्यूमन ट्रैकिंग, यानी कि ऑटो ह्यूमन ट्रैकिंग। ऑटो ह्यूमन ट्रैकिंग क्या होती है, कि जैसे ही कैमरा के सामने कोई आया, मान लो कोई कैमरा के सामने आ गया, इसके बाद वो दाएं से बाएं जा रहा है, तो कैमरा भी उसके साथ साथ दाएं से बाएं जाएगा, ऑटोमेटिक कैमरा जो है वो इंसान के साथ साथ ह्यूमन के साथ साथ ट्रेवल करेगा, इसको बोल देते हैं ऑटो ह्यूमन ट्रैकिंग। इसके बाद ऑप्शन है DIY इंस्टॉलेशन। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ, यानी कि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर ये वाला वीडियो आप कंप्लीट देख लोगे अच्छे से, तो खुद ही आप इस कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हो। तो सभी ऑप्शंस की बात हो गई है, बहुत ही बेहतरीन कैमरा है, मेड इन इंडिया कैमरा है। आइए अब ये कैमरा आपको चला करके दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ट्रू क्लाउड का एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, चाहे आपके पास एप्पल का मोबाइल हो या फिर एंड्रॉयड हो, दोनों के प्ले स्टोर पर ट्रू क्लाउड एप्लीकेशन अवेलेबल है। ट्रू क्लाउड का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रू क्लाउड एप्लीकेशन चला रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने कैमरा खरीदा है, तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर का एक ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालो, फिर एक OTP आएगा, OTP डालो और कोई भी अपना पासवर्ड लगा दो और इसको ओके कर दो, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपना अकाउंट पहले ही क्रिएट कर रखा है, तो अपन क्या करेंगे इसमें, पहले अपना मैं जो ID और पासवर्ड है वो फिल कर देता हूँ। जैसे ही ID और पासवर्ड हम फिल करेंगे और इसको लॉगिन कर देंगे, तो हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिस पे ऐड कैमरा लिखा हुआ है। अभी सबसे पहले आपने क्लिक करना है ऐड कैमरा पे, तो लीजिए अपन ने यहाँ पे क्लिक कर दिया है ऐड कैमरा पे।
तो यहाँ पर देखिए ऐड कैमरा पे क्लिक करने के बाद अपने आप ही कैमरा की जो आईडी है वो इसने उठा ली है, इस ऐप ने कैमरा की आईडी ऑटोमेटिकली उठा ली है। अगर मान लीजिए ऑटोमेटिक आईडी यहाँ पे शो नहीं होती आपको, तो नीचे स्कैन टू ऐड का ऑप्शन है, आप स्कैन पे क्लिक करिए और कैमरा पे जो क्यूआर कोड लगा है वो आप स्कैन कर दीजिए। अभी इसको ऐड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया है, अभी आ रहा है चेकिंग डिवाइस स्टेटस प्लीज वेट। अभी डिवाइस का जो स्टेटस है चेक कर रहा है कि डिवाइस आपका ऑनलाइन है या नहीं, आपका कैमरा जो है वो ऑनलाइन है या नहीं। अभी यहाँ पर नेटवर्किंग आ रहा है, परसेंटेज चल रही है, ये 100% तक कंप्लीट होगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, मेरी मोबाइल स्क्रीन में 100% हो चुका है। अभी देखिए कॉन्फ़िगर द डिवाइस, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो इसको, जैसे अपन यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको ट्रू व्यू ही दे देते हैं, ट्रू व्यू, जैसे अपन ने कोई भी इसको मान लो नाम दे दिया ट्रू व्यू। नाम देने के बाद अपन ने कर दिया कन्फर्म, तो देखिए ऐड डिवाइस सक्सेसफुली, हमारा डिवाइस जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर क्यूआर कोड जो कैमरा पे लगा हुआ है वो शो कर रहा है, आप इसको सेव करके भी अपने मोबाइल में रख सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे हमारा कैमरा चल जाएगा। अभी हम करेंगे हमारे कैमरा पे क्लिक, तो अभी हमारा कैमरा चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए कैमरा हो चुका है ऑनलाइन, भाई बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, मन खुश हो गया क्वालिटी देख करके। अभी आपको भी मैं सारी इसकी ऑप्शन चेक करवाता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है देखिए HD लिखा हुआ है, यानी कि HD क्वालिटी होती है नॉर्मल क्वालिटी। अगर आप HD चाहते हो क्वालिटी तो HD पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए HD का भी ऑप्शन आने लग गया। अभी जैसे ही आप HD पे क्लिक करोगे तो इसकी क्वालिटी HD में चली जाएगी, कैमरा की क्वालिटी HD में कन्वर्ट कर जाएगी। अभी देखिए कितना डिफरेंस आ गया है इसकी पहले वाली और अब की क्वालिटी में। तो ये HD में हो चुका है हमारा कैमरा बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ। मैं आपको इसको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ कैमरा को, देखिए भाई साहब ये दोनों कैमरे दिख रहे हैं, एक आपको पूरा बड़ा कैमरा दिख रहा है, एक साथ में छोटी सी स्लाइड दिख रही है, उस पर क्लिक कर दोगे तो वो वाला दिखने लग जाएगा और दूसरा कैमरा स्लाइड में चला जाएगा। बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ है, देखिए मेरा मोबाइल भी दिख रहा है, हम मोबाइल से शूट कर रहे हैं ये वीडियो, वो भी आपको दिख रहा है। अभी आपको इसके कुछ और जो फीचर्स हैं बेहतरीन वो मैं आपको बताता हूँ। HD का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, एक बार इसको फिर से HD पे ही कर देते हैं अपन। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बल्ब सा बना हुआ है, जैसे ही आप बल्ब ऑन करोगे, ये आसान तरीका है अंदर जा करके लाइटिंग ऑन करने के बजाय, अगर आप बल्ब पे क्लिक कर दोगे तो कैमरा पे जो इन्फ्रारेड लाइटिंग मैंने आपको दिखाई थी वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। अभी अपन दिन है तो अपन इसको कर देते हैं एक बार बंद, ठीक है जी। बंद करने के बाद इसके बाद एक स्पीकर का साइन है, कैमरा के पास जो भी आवाज़ आएगी ना वो आपको स्पीकर में से सुनाई देगी, अगर आप स्पीकर को है जो ऑन कर लोगे। तो देखिए जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपको स्पीकर में से कैमरा के भी सुनाई दे रहा है, और इतनी अच्छी क्वालिटी आपको सुनाई दे रही है। तो अभी मैं बंद कर देता हूँ इसका स्पीकर। इसके बाद स्नैपशॉट की ऑप्शन है, स्नैपशॉट लेने के लिए आपने स्नैपशॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये कैमरा का स्नैपशॉट लेकर के, व्यू का स्नैपशॉट लेकर के गैलरी में भेज देगा इसको। तो इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी मोबाइल पर व्यू आ रहा है। अगर इसको बंद कर दोगे दोबारा क्लिक करके तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। और भी बहुत सी ऑप्शन है, और अभी अपन कैमरे को रोटेट करके दिखाते हैं आपको। ये जो नीचे पैन एंड टिल्ट दिया गया है इससे आप कैमरा जो है वो रोटेट कर सकते हो, देखिए ये बहुत आसानी से आप रोटेट कर सकते हो कैमरा को। अभी हम रोटेट कर रहे हैं, देखिए कैमरा ये बहुत ही इजीली ये रोटेट होता है कैमरा, और आपका पूरा गांव ये दिखा देगा इसी कैमरा से। भाई साहब क्या बात है, मज़ा आ गया कैमरा देख करके। और ये 360 रोटेट हो जाता है, देखिए हमने जिस दीवार पर कैमरा लगाया हुआ बिल्कुल उसी की तरफ ये रोटेट हो चुका है पूरी तरह, और देखिए ये पूरा व्यू दिखा देगा आपको। देखिए कितनी इसकी मतलब कि कवरेज एरिया देखिए कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसका कवरेज एरिया है। ऊपर वाला कैमरा रोटेट हो रहा, देखिए इस स्क्रीन में आप स्क्रीन में कैसे भी सेट कर सकते हो, ऊपर और नीचे कर सकते हो। तो देखिए दोनों अलग अलग दिशाओं में कैमरा हमारा लगा है, एक सामने की तरफ देख रहा है आपको, देखिए कैमरा भी दिख रहा होगा नीचे वाले कैमरे में, एक सीधे की तरफ देख रहा है हमारा ये वाला कैमरा दिख रहा होगा आपको जिससे हम शूटिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी इसकी पिक्चर क्वालिटी। अभी जूमिंग की बात करते हैं, अभी जो हमारा कैमरा रोटेट होता है उसको हम जूम करते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 1x पे, देखिए अभी जूमिंग की पावर देखिए आप कैमरा की कितनी ज़बरदस्त पावर है जूमिंग की। अपन कर देंगे इसको 4x पे, देखिए इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ इधर की तरफ, इसको थोड़ा सा अपन ने किया रोटेट, यहाँ पे कर लेते हैं इसको सेट। और अभी आपको पावर दिखाता हूँ, एक तो रोटेट भी ये तुरंत हो जाता है जैसे ही क्लिक करो। तो देखिए भाई साहब ये है इस कैमरा की जूमिंग पावर, ये जो आपको दिख रही है ना मूर्ति ये बहुत ज़्यादा दूर लगी हुई है, देखिए अभी दिखाता हूँ आपको कैसे, यानी कि 8x तक इसको आसानी से जूम कर सकते हो, लेकिन ये वैसे तो 10x डिजिटल जूम है, लेकिन 8x तक इसकी क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त रहती है जूमिंग की।
दोनों अलग अलग दिशाओं में ये कैमरे लगे हैं और प्लेबैक चेक करने के लिए, रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए चिप निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पर प्लेबैक का ऑप्शन है। जैसे ही आप क्लिक करोगे प्लेबैक पे तो आपको ये रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आपको यहीं दिख जाएगी। अभी लिखा हुआ नो TF कार्ड फाउंड, यानी कि हमने मेमोरी कार्ड नहीं डाला हुआ, इस वजह से अभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर मेमोरी कार्ड डाल दोगे तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। और इस कैमरा के साथ आपको 15 डेज का क्लाउड का एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्री आता है। देखिए यहाँ पे भी आ रहा है क्लाउड स्टोरेज फ्री एक्सपीरियंस, 15 डेज के लिए क्लाउड सर्विस बिल्कुल फ्री है। अगर आप चाहते हो लेना तो गेट द एक्सपीरियंस पे क्लिक कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगी, आपके इसी कैमरा में एड ऑन हो जाएगी। अभी कुछ और सेटिंग्स की अपन बात करते हैं। जैसे ही अपन कैमरा ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेटिंग की ऑप्शन आ रही है बिल्कुल ऊपर, यहाँ पर क्लिक करिए। अभी हमारी जो सेटिंग्स हैं कैमरा की वो ओपन हो रही हैं। अभी बिल्कुल लास्ट में आ जाइए, यहाँ पर देखिए एडवांस सेटिंग, सबसे पहले जो आपकी काम की सेटिंग्स है, जो आपके काम आने वाली सेटिंग्स है, मैं वो आपको बताता हूँ। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करिए। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टाइम सिंक्रनाइजेशन, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो टाइम आपके मोबाइल का होगा अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे वही टाइम कैमरा का हो जाएगा, तो आपको रिकॉर्डिंग देखने में आसानी रहेगी। तो मैं कर देता हूँ कन्फर्म, तो जो मेरा मोबाइल का टाइम है वही मेरे कैमरा का टाइम होगा, यानी कि टाइम आपका सही हो गया है। ठीक है जी, इस पर तो ये था, इसको ओपन, और ये एलेक्सा के साथ भी काम करता है। इसके बाद बैक आने के बाद स्टोरेज सेटिंग, स्टोरेज सेटिंग में क्या है, सबसे पहली ऑप्शन है लोकल स्टोरेज स्पेस। जैसे क्लिक करोगे, अभी तो नो TF कार्ड आ रहा है क्योंकि हमने मेमोरी कार्ड नहीं डाला, अगर मेमोरी कार्ड डाला होगा तो यहाँ पर शो करेगा कितने कैपेसिटी है, कितनी स्पेस खाली है, कितना भरा हुआ, सारा कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। इसको बैक कर दो। इसके बाद PTZ कंट्रोल, PTZ कंट्रोल में क्या है, जो कैमरे के बटन लगे हुए हैं नीचे यहाँ पर मोबाइल में अपने दिए हुए हैं कैमरे को चारों तरफ घुमाने के लिए, सबसे पहले PTZ स्पीड, उसकी स्पीड है, हाई रखना चाहते हो कि कैमरा जल्दी जल्दी घूम जाए, मीडियम रखना चाहते हो कैमरा धीरे घूमे, या लो करना चाहते हो बिल्कुल ही धीरे घूमे, वो अपन सेट कर सकते हैं। PTZ कैलिब्रेशन है, इसका कोई खास आपके काम आएगा नहीं जे। इसके बाद PTZ कंट्रोल डायरेक्शन फ्लिप, यानी कि हमारे दो कैमरे हैं, देखो एक ऊपर है एक नीचे है, ऊपर वाला कैमरा ऊपर वाली साइड दिखता है, नीचे वाली साइड, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो नीचे वाला कैमरा है जो रोटेट होता है ये कैमरा ट्रू व्यू का, वो हमें ऊपर दिखे इस मोबाइल में, तो यहाँ से आप फ्लिप करके इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हो, सारी आपको ऑप्शंस मिलेंगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है स्क्रीन एंड साउंड सेटिंग, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन है नाइट विजन मोड, जिसकी सबसे ज़रूरत रहती है आप लोगों को। इसमें आपको दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, सबसे पहला है फुल कलर नाइट विजन, दूसरा है इंफ्रारेड नाइट विजन। अगर आप फुल कलर पे करोगे तो जैसे ही अंधेरा होगा तुरंत ये कैमरा अपनी लाइट्स जो है वो ऑन कर देगा, आपको कलर इमेज देगा। इंफ्रारेड नाइट पे रखोगे तो रात को ये ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी, इसको कर देते हैं अपन बैक। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इन्वर्ट द इमेज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इन्वर्ट द इमेज। इससे क्या होता है, अगर मान लो आपने कैमरा ऐसी जगह पे लगा दिया उल्टा सीधा करके कि आपके कैमरा की जो फोटो है, वीडियो जो आ रही है अपनी कैमरा की, वो उल्टी आ रही है, तो आप इन्वर्ट द इमेज के ऑप्शन को ऐसे टिक लगा दोगे तो उल्टी हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इन्वर्ट द इमेज पे टिक लगा दोगे तो सीधी हो जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए इन्वर्ट द इमेज पे हमने टिक लगा दिया, अभी इसको बैक करते हैं एक बार। अभी ये देखिए, अभी हमारी स्क्रीन बिल्कुल उल्टी आ रही है। ठीक है, इसको अगर सीधा करना हो तो सेटिंग में जाओ, इसको जाओ स्क्रीन एंड साउंड सेटिंग, इन्वर्ट द इमेज पे जो टिक लगी है इसको हटा दो। ये टिक हमने हटा दी, अभी देखिए इमेज बिल्कुल हमारी सीधी हो जाएगी। अभी देखिए हमारे कैमरा की इमेज जो है बिल्कुल सीधी हो चुकी है। ठीक है जी, तो अब बात करेंगे कैमरा के प्राइस की। प्राइस इसका इतना शानदार होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी चेक कर लेना। तो इस कैमरा का प्राइस हम आपको देने वाले हैं 8,200 रुपए, 8,200 रुपीज, 8,200 का प्राइस दिया है दोस्तों इस कैमरा को ऑर्डर करने के लिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी ऑर्डर कर सकते हो, इसी नंबर पे कॉल करके भी अपना ऑर्डर कंफर्म करवा सकते हो। और अगर आपने कहीं और से भी लिया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये कैमरा इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, या किसी ऑप्शन के बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। और अगर आप हमें ये ऑर्डर देना चाहते हो तो भी यही व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज करें, अपना ऑर्डर कंफर्म करें। ऑल इंडिया डिलीवरी हमारे पास अवेलेबल है, सारे हिंदुस्तान में हम अपने कैमरास भेजते हैं, पक्का GST का बिल साथ में आता है। तो दोस्तों कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप पूछ सकते हो, ऑर्डर भी इसी नंबर पे आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है इंस्टॉलेशन में कॉन्फ़िगरेशन में आप हमें पूछ सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।